देख रहे हैं न्यूज युग और मैं हूं आपके साथ पूजा प्रथम। जिला पुलिस अधीक्षक ने किया सेल्समैन की आंखों में मिर्ची डाल 24,14,000 रुपए की लूट की वारदात का खुलासा। जिला पत्रकार वार्ता में जानकारी साझा करते हुए पुलिस अधीक्षक महावर ने बताया कि इस वारदात का सूत्रधार व्यवसायी का गाड़ी चालक ही था, जिसने अपने कुछ मित्रों के साथ इस वारदात को बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम दिया। दरअसल मामला ये था कि 5 अगस्त को मांडलगढ़ क्षेत्र में कलेक्शन के बाद लौट रहे पिकअप में एक व्यक्ति ने लिफ्ट ली और यहां से हर चौराहे पर पिकअप को उस व्यक्ति ने रुकवाया। इसी बीच मोटरसाइकिल सवार कुछ व्यक्तियों ने सेल्समैन शंकर लाल की आंखों में मिर्ची डाल दी और 24,14,000 रुपए लूट लिए। इस संबंध में सेल्समैन द्वारा दर्ज करवाए मामले के बाद पुलिस ने एक टीम बनाकर मामला संदिग्ध पाया। इस पर चालक सहित उसके 5 साथियों बबलू घनश्याम, बबलू किशन वही कालू को हिरासत में लेकर 18,00,000 रुपए बरामद किए हैं। वही पूछताछ में चालक ने बताया कि उसने और उसके साथियों ने ही वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों ने लूट के बाद रकम को एक कचरे के ढेर में छिपा दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। वही लोग बैठेंगे उसमें, ड्राइवर कौन होगा, मुनीम कौन होगा और एक तीसरा आदमी कौन होगा और किस तरीके से कहां से आ रहे हैं, सेम उसी तरीके से उस गाड़ी को इंटरसेप्ट करना, फिर सभी को द्वारा ये बताना कि भाई कौन किधर निकल कर के गया, उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। ये सीन ऑफ क्राइम को रिक्रिएट करना भी आजकल एक टेक्निकल चीज़ है, इससे भी कई बार चीज़ें पिक्चर की तरह क्लियर होती हैं, क्योंकि मेरा जो भी बिहेवियर होगा वो बिल्कुल नेचुरल होगा। हम लोग कई बार पुलिसिंग के अंदर ये सब चीज़ें भूल जाते हैं, बेसिक चीज़ें कि जो भी हमें कहा जा रहा है हम लोग उसी को सुन लेते हैं, मान लेते हैं। अगर उससे कहेंगे ना कि ये जो वारदात है बताओ आप किस तरीके से, मैं भी गया वहाँ पर घटना स्थल, मेरे साथ भी डिप्टी साहब भी, एडिशनल साहब भी गए, आप लोगों में से भी कुछ लोग आए थे शायद उस दौरान, उस रोड से जब वो निकल रहे थे हम लोग कहना यहाँ इतनी गाड़ियाँ क्या रहा, बेसिकली उस घटना स्थल का हम लोग रिक्रिएट कर रहे थे। तो ये गाड़ी, ये ड्राइवर किस तरीके से गाड़ियाँ रुकी, ताकि अपने को इससे बदमाशों के बारे में जानकारी या उनके बारे में कुछ और चीज़ें पता करने का मौका मिले। ये 2-3 चीज़ें थी जो कि ये जो टीम है ये राजस्थान की वन ऑफ द बेस्ट टीम है। इतने सारे मोबाइल नंबरों में से नंबर को छाटना ढूंढना बहुत टेढ़ा काम है। अभी जैसे आप लोगों को ध्यान होगा कुछ दिनों पहले अपने शाहपुरा में भी घटना घटी थी, प्लस और भी कई बार भी घटनाएँ घटती हैं, तो 3-4 लाख कॉल में से आप कैसे डाउटफुल नंबर को ढूंढोगे, ये बड़ा टेक्निकल काम है। हम लोग भी इसमें इतने एक्सपर्ट नहीं है जितने कि हमारी साइबर टीम है। इसके लिए भी मैं आज आप सभी लोगों के माध्यम से चाहूँगा कि ये लोग भी बातें बताएंगे, बात ये बेचारे पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, फील्ड में थानेदार जी होते हैं, डिप्टी साहब होते हैं, एडिशनल साहब होते हैं, और ये लोग वो हैं जो सभी लोगों का बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा आप सभी लोगों से भी हमें कई तरह की इनपुट मिली। फिलहाल के लिए समाचारों में इतना ही, बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ युग। नमस्कार।